तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास तक हम लोग लिमिट का बारे में समझ गए थे कि लिमिट होता क्या है ना। तो उसमें एलएचएल आरएचएल उसको अपन काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ग्राफिकल अप्रोच देख लिए थे। वहीं से हम लोग समझे कि लिमिट क्या चीज होता है, कि अगर एक पॉइंट में एक फंक्शन का वैल्यू नहीं पता है तो इन दैट केस हम उसका वैल्यू निकालने के लिए उसका आसपास में मतलब लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड साइड से उसका नेबरहुड में दो पॉइंट या उस हिसाब से देखते हैं कि वो कहाँ अप्रोच करता है। अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे अप्रोच करता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में वो सेम हो जाता है या फिर एलएचएल आरएचएल सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और जो वैल्यू आया वो हम निकालते हैं। तो अप्रोच हो गया क्या लिमिट को समझने के लिए। अभी हम लोग चलो आज से स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, स्टैंडर्ड फंक्शंस को लेके या फिर स्टैंडर्ड लिमिट हम इसको बोल लेते हैं। इसमें हम लोग और एलएचएल आरएचएल लेंगे नहीं, जहां पे हमको दिक्कत होगा वहां पे हम एलएचएल आरएचएल लेने का बारे में सोचेंगे और अदरवाइज हम नॉर्मली करेंगे। ठीक है ना, नॉर्मली स्टार्ट कर लेंगे कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो ये करने का तरीका क्या होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं जो जो स्टैंडर्ड लिमिट इसको बोलते हैं उसके लिए हमको कुछ चीज का बारे में जानना पड़ेगा। ओके, क्या क्या चीज से जानना पड़ेगा कि हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट हम किसको बोलते हैं। ऑलराइट, दीज आर योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम इसका वैल्यू जानते नहीं है कितना हो रहा है, मतलब नहीं निकल सकता, नहीं है, निकल सकता है बट एग्जैक्टली हम उसके बारे में जानते नहीं है कितना है। ओके, बट लिमिटिंग वैल्यू अगर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है, इन ऑल दोज एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू लिखा गया है, दोज आर टेंड्स टू वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। मतलब यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ कि 0/0 मतलब टेंड्स टू 0, जैसे कुछ ये हो गया, जैसे मान लेते मैं 0/0 लिख रहा हूँ, दिस इज योर यू से दिस वन इज समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस वन इज समथिंग यू से 0.00000001, ये टेंड्स टू 0 हो गया। ऑलराइट, डिवाइड बाय हमारा नीचे भी 0 है टेंड्स टू 0, 0.00000000, जितना ना 0 ऊपर लिखा उतना ना 0 है, काउंट नहीं कर रहा हूँ, बाय 2 है, मतलब इसका वैल्यू तो हमको मिलेगा। इसका वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पे अगर खाली 0, एग्जैक्ट 0 होगा, एग्जैक्ट 0/0, उसका वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, बट दिस वैल्यू आई नो कि इसका वैल्यू हाफ होता है। तो लेट मी टेल यू कि ये जो वैल्यूज लिखा है यहाँ पे 0/0, इनफिनिट बाय इनफिनिट, देन इनफिनिट माइनस इनफिनिट, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल दोज वैल्यूज, ये सारे में हम जो बोल रहे हैं टेंड्स टू इनफाइनाइट है। इसे मैं बता रहा हूँ कि 1 to the power infinite, ऐसे अगर मैं एग्जैक्ट वन लूंगा तो इट इज डेफिनेटली 1 आएगा। मैं एग्जैक्ट वन ले ले रहा हूँ, इसका आसपास का नंबर ले रहा हूँ, मतलब अप्रोचिंग 1 के पास जा रहा हूँ, तो उसका पावर अगर इनफिनिट है तो ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ऐसे ही ये कुछ 0/0, इनफिनिट इनफिनिट, एक्चुअली ये मेन है, 0/0 इज मेन वन, क्योंकि बाकी जो सब चीज है ना उसको हम चाहेंगे तो उसको इस फॉर्म में तक ला सकते हैं। जैसे इनफिनिट इनफिनिट है, मान लेते हैं इनफिनिट बाय इनफिनिट है, इसको मैं अगर 1/∞ कर दूं इसके लिए और इसके लिए 1/∞ कर दूं तो इट इज कमिंग टू 0/0 फॉर्म। लाइक दैट हम बाकी सबको भी कुछ आगे पीछे करते हुए हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं 0/0 फॉर्म। सो 0/0 इज फॉर्म इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है जो लिमिट में। ओके, बाकी सब फॉर्म उस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज है ये सब अगर देखोगे तो हम इनको बोलते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट के लिए, एग्जैक्ट अगर कहीं पे 0/0 लिखा है बोल लेना कि नॉट डिफाइंड है। ओके, आर यू गेटिंग दिस वन। और यहाँ पे ये तो 1 to the power infinite हम बोल देंगे 1 है, कुछ कुछ यहाँ पे वैल्यू निकल जाता है तो हम लिमिट के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकाल लेंगे। तो दीज आर द फॉर्म्स, हम इसका बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सब हम जब आएंगे
ये पहले डिस्कस कर लेंगे, बाकी ये सर जब आएगा हम समझाएंगे कि भाई कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हो, है ना। चलो अब कुछ फॉर्म है जो हमको लगता है कि ये वैल्यू नहीं मिलता है, मतलब डाउट में है कि ये वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस केस में मैं बता दे रहा हूँ इनका वैल्यू जो है, दीज आर द वैल्यू फॉर दिस वन, बट लेट मी टेल यू कि दीज आर अगेन टेंड्स टू वैल्यू है, इक्वल्स टू नहीं है। तो 0 बाय इनफाइनाइट अगर टेंड्स टू 0 बाय इनफाइनाइट हो रहा है तो वी विल राइट इट 0, ओके, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएगा, इनटू में भी इनफाइनाइट आएगा, पावर में भी इनफाइनाइट आएगा, और 0 टू द पावर इनफाइनाइट अगर आएगा तो इट इज 1, ए सॉरी 0, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जो बात कर रहे थे क्या इनफाइनाइट लिमिट किसको बोलते हैं, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट किसको बोलते हैं। अब हम चलो बात करते हैं कि हम लिमिट जो निकालेंगे किसका निकालेंगे। ऐसे सबको पता है कि लिमिट या फिर कैलकुलस चैप्टर जो है वो बेस्ड होता है फंक्शन में, तो फंक्शन ही हमारा स्टार्टिंग है कैलकुलस का, फंक्शन के बाद हम लोग आएंगे लिमिट, फिर डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। तो जो मतलब निकालते हैं हम लिमिट किसका, एक फंक्शन का। अब अगर मैं फंक्शन का बात कर लूं तो फंक्शन हमारा काफी सारे टाइप का है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे पहले लिमिट में उसका मैं बता दूं, दो टाइप का लिमिट हम पहले सोच लेते हैं कि एक हो गया क्या एल्जेब्रिक लिमिट, एक हो गया हमारा क्या ट्रांसकेंडल लिमिट्स। ट्रांसकेंडल बोलने से क्या होता है, उसमें ट्रिगोनोमेट्री आता है, लोगरिथम आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे आता है, दो जरा ट्रांसकेंडल लिमिट्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक लिमिट, ओके, और हमारा जो एल्जेब्रिक है ट्रिगोनोमेट्री दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ही हमारा ज्यादा टाइम जाएगा। एनीवे तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक लिमिट। तो एल्जेब्रिक लिमिट नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो लिमिट तो लिखा होगा जो भी होगा, साथ में जो एफएक्स होगा, जो फंक्शन होगा एफएक्स, वो फंक्शन एफएक्स जो है वो एल्जेब्रा का फॉर्म में रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल हैव द केस लाइक दिस समथिंग बाय समथिंग, मतलब एल्जेब्रिक लिमिट में जो हमारा केस आएगा कुछ ऐसे आएगा, क्या केस आएगा बताओ, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f of x by g of x, so this is the case you are going to get, limit extends to a f of x by g of x is the case you are going to get। अब हमको करना क्या है, अगर ये लिमिट दिया होगा क्वेश्चन में बोला होगा कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इवैल्यूएट दिस मतलब इसका वैल्यू निकालो, डिटरमाइन करो कि इसका वैल्यू कितना हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, ये जो वैल्यू एक्सटेंड्स टू ए है सीधा पुट कर देंगे एस के जगह में, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एफ ऑफ ए निकाल लेंगे और साथ में जी ऑफ ए भी निकाल लेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकल जाएगा और जी ऑफ ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू जीरो आया और जी ऑफ ए का वैल्यू जीरो आया, इसका मतलब हम पहुंच गए कहां, इनडिटरमिनेट फॉर्म का लिमिट में, एफ ऑफ ए टेंड्स टू जीरो और जीरो पे भी टेंड्स टू जीरो हो गया, तो हम पहुंच गए कहां पे, इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट में, जीरो बाय जीरो फॉर्म में, इसमें से कुछ भी आ सकता है। हम अलजेब्रिक का बात करेंगे तो इसका पर ही हम फोकस करेंगे, यही वाला आएगा या फिर यही वाला आएगा इनिशियली में हम देखेंगे, तो समझने के लिए, तो दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, हम इसको बोलते हैं क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ओके। मान लेते ऐसा हुआ नहीं, मान लेते हैं जीरो बाय जीरो फॉर्म हुआ नहीं, और जब हम वो लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं मतलब वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे वो वैल्यू निकल ही जा रहा है, एग्जैक्ट तो फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है, इनडिटरमिनेट डिटरमाइन हो जा रहा है उसका वैल्यू कितना हो रहा है, देन दिस इज द आंसर, मतलब हम जब वैल्यू पुट करते हैं अगर निकल के आ जा रहा है दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल, और हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर वैल्यू नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगा एंड दिस इज कमिंग जीरो बाय जीरो फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, इन दैट केस हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ओके। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, लेट अस सी क्या का प्रोसीजर हो सकता है, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं उसके साथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। पहला काम हम क्या कर सकते हैं, स्टेप वन पहले करोगे क्या, आइडेंटिफाई
द फैक्टर दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा क्वेश्चन का थ्रू में पहले तो ये सब लिख लो है ना पहले नंबर टू एलिमिनेट दैट फैक्टर बाय कैंसलिंग इट आउट कैंसलिंग इट नंबर थ्री टू गेट ना टू कैंसल द फैक्टर वी मस्ट bring same factor in numerator most of the cases numerator हम करते हैं okay numerator okay तो to do so we may need the followings. We may need the followings. Okay. सबसे वन पहला क्या हो गया फैक्टराइजेशन कॉमन भी हम ले सकते हैं ओके नंबर टू फैक्टराइजेशन हो गया या कॉमन भी ले सकते हो ना नंबर टू हो गया हमारा नेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन हो सकता है रेशनलाइजेशन हो सकता है ना ओके और क्या हो सकता है नंबर थ्री प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कुछ चीज हमको हम आपको आते सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है नंबर वन फैक्टराइजेशन देन रेशनलाइजेशन देन यू कैन हैव प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नंबर फोर यू कैन से यूज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन a to the power n minus 1 ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे आया हम डिराइव कर लेंगे थोड़ा देर में है ना तो जब आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन हम इसको डिराइव करेंगे तो कुछ ऐसा है अब ये फैक्टराइजेशन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ सकता है a square minus b square पहले तो मिडिल टर्म फैक्टर हो सकता है क्या हो सकता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और क्या हो सकता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज हो सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो सकता है यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो सकता है यूज मतलब इसको फैक्टर्स का फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो सब का जरूरत पड़ सकता है सो दैट इज हाउ वी विल प्रोसीड चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं कि उसमें क्या है और कैसे करेंगे ये सो स्टेप जो है इस स्टेप का हिसाब से फॉलो करने का कोशिश करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है ना सबसे पहला क्वेश्चन देख लो नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन लेट अस डू इट क्वेश्चन नंबर वन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट तो जो हमारा पहला काम होगा ना पहला काम होगा कि वैल्यू पुट कर लो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो कितना आ रहा देखो सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ रहा बताओ यहाँ पे जीरो आ रहा नीचे में भी जीरो आ रहा तो हम लिख देंगे साइड में क्या जीरो बाय जीरो आया क्योंकि ये जीरो बाय जीरो आया मतलब इसको हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर जीरो बाय जीरो कहीं पे नहीं आया
तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लेते ऊपर में आया 5, नीचे में आया 0, तो वैल्यू उसका नहीं निकलेगा, उल्टा होगा तो निकल जाएगा 0/5, तो वी गॉट अ वैल्यू फॉर दैट वन। अगर ऊपर में 5 आया नीचे में 0 आया, विल नॉट गेट अ वैल्यू फॉर इट, इट शुड बी इन डिटरमिनेट 0/0 फॉर्म। चलो अब हम क्या करते हैं, हम देखने का कोशिश करते हैं कि हमको प्रोसीजर में क्या बोला है। ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन के लिए कुछ और हिंट मतलब कुछ और सोचना पड़ सकता है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन अबाउट से 95% से मोर इस हिंट में से सॉल्व होने वाला है। तो पहला बोला है कि आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट क्रिएट द प्रॉब्लम। तो पहले तो ये समझ जाओ, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो रहा है कोई भी चीज, तो उसमें x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम, पढ़े हो तुम लोग क्लास 8 9 10 में पे। अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 0 हो रहा है तो उसमें x माइनस 1 फैक्टर होगा, 100% x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 हो या फिर रूट x माइनस 1 हो, ऐसे टाइप का कुछ होगा। तो वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट किया, और वो मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनफैक्ट सारे केसेस में बोल लो, डेनोमिनेटर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। क्योंकि न्यूमरेटर में अगर x माइनस 1 होगा, न्यूमरेटर इज 0, डेनोमिनेटर 5 आया, वी विल हैव नो प्रॉब्लम। डेनोमिनेटर 0 आ गया तो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट, तो हम डेनोमिनेटर का ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे। तो क्योंकि डेनोमिनेटर में हमारे ये 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, हम पता कर चुके, हम जान चुके कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, नहीं तो ये 0 नहीं होता। तो फिर वो ही प्रॉब्लम का कारण है। हम अलजेब्रा कर रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री का करने का प्रोसेस अलग हो जाएगा, अलजेब्रा का करने का प्रोसेस सही है। हर क्वेश्चन में यही बोलने वाला हूं, देखो यही प्रॉब्लम का कारण है, तो हटाओ इसको। तो ये अगर हट गया तो फिर बाकी में हम लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं ये हटेगा कैसे, इसको फैक्टराइज करो बाहर में करो, या फिर डायरेक्ट अगर तुमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट लिख लो। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे में मेरे को दिखाई दे रहा है कि इट इज कमिंग x प्लस 1, सॉरी x प्लस 8 इनटू x माइनस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं, x प्लस 8 इनटू x माइनस 1। नीचे में हमको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम का कारण x माइनस 1 था, x माइनस 1 का फैक्टर जो उसको हम देख लिए यहाँ पे है। अच्छा तो ये बन गया। ऊपर में क्या है देखते हैं, ऊपर में x स्क्वायर माइनस 1 है। जैसे मैं बोला हूं कि क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखो तो उसके बाद बोला हमको एलिमिनेट दैट फैक्टर बाय कैंसलिंग इट, उसको कैंसिल करो। अब कैंसिल करने के लिए हमारे पास एक और फैक्टर तो इससे होना चाहिए, तो टू कैंसिल द फैक्टर वी मस्ट ब्रिंग सेम फैक्टर इन न्यूमरेटर, नॉर्मली न्यूमरेटर का बात करते हैं। ओके टू डू सो वी मे नीड द फॉलोइंग्स, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हो, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, और कभी कभी एक क्वेश्चन का हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया क्या, ये सब मिडिल टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब एक्सेट्रा, ये सब चीज जानते हो, खाली फोकस करने के लिए मैं बता देता हूं कि इसी का ऊपर ही हमारा इर्द गिर्द बोले घूमेगा ये सब चीज। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे ऊपर में जो x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है x प्लस 1 * x माइनस 1 में। तो फिर हम x माइनस 1 को अभी कैंसिल कर देंगे, x माइनस 1 कैंसिल्ड आउट, तो व्हाटएवर थिंग लेफ्ट लेट अस राइट दैट। क्या बच गया अभी, इज इक्वल टू लिमिट x tends to 1 and what is it, x plus 1 divided by x plus 8। अब हम अगर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो इट इज कमिंग 2/9। ऑल ऑफ यू गॉट इट, यस। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, लिखते हैं क्या लिखा है, लिमिट x tends to 1, लिमिट x tends to 1 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1/3 divided by 1 minus x to the power minus 2/3। ये क्वेश्चन हमको दिया है और हमको पूछा कि भाई इसका लिमिट का वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो मैं वो काम करूंगा कि x का वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या कौन सा फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आया। तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगा कि क्या फैक्टर है जिसके लिए कि 0 हो रहा है, क्या फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
और डेनोमिनेटर में ही हमको देखना है ज्यादातर समय, क्योंकि डेनोमिनेटर ही जीरो होगा तो प्रॉब्लम होगा। न्यूमिनेटर में जीरो से क्या मतलब है? न्यूमिनेटर जीरो हुआ, डेनोमिनेटर फाइव हुआ, आंसर इज जीरो। सो दैट इज नॉट प्रॉब्लम, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। तो न्यूमिनेटर नहीं डेनोमिनेटर का ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, अगर जीरो बाई जीरो हुआ तो। तो डेनोमिनेटर में देख रहा हूं कि 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 2 बाई 3 है, तो इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, या तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, या अगर देखेंगे नहीं हो पा रहा है तो न्यूमिनेटर में ऐसे चीज लाने का कोशिश करेंगे। दैट इज आवर एम, है ना। और मैं बता दिया हूं कि फैक्टर्स का मतलब हमेशा यही चीज के ऊपर फोकस करो, जानते हो सब चीज फैक्टर में क्या क्या होता है, लेकिन इनका ऊपर फोकस करो, अपना दिमाग यही सब चीज के ऊपर लाओ, क्या ऐसे कुछ यूज हो सकता है यहाँ पे। तो हम देखने का कोशिश करते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है क्या हमारा नीचे में और ऊपर में जो दिया है, अकॉर्डिंगली यू विल सी, यू कैन सी हियर, ये इसका होल स्क्वायर हो रहा है और ये तो वन, तो किसी का भी स्क्वायर हो सकता है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 3, ये तो ऊपर है गया, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट ना? ओके सर। तो अब इतना हो गया, तो अभी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हमारा हो गया क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, दिस इज योर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 बाय 3 whole divided by 1 minus x to the power minus 1 by 3 into 1 plus x to the power 1 by 3, okay, minus 1 by 3 impact, alright, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, cancel हो गया, this to get cancelled, now you will be left with what, limit x tends to, what, कितना, 1, 1 by 1 plus x to the power minus 1 by 3, that is 1 by 1 plus 1, that is 1 by 2, okay, चलो, ये हम शुरू शुरू में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैंसिल होने का बाद क्या बच रहा है उसको हम लिख रहे हैं, बाद में हम लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आने वाला है नहीं पक्का, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन करने से पहले हमको सिंपल क्वेश्चन करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वहीं से मिलता है ना। तो बेसिक्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसीलिए क्या ये कटने का बाद क्या बच गया, मैं पहले उसको लिख रहा हूं एंड देन आई एम फाइंडिंग आउट द आंसर, बट वी कैन स्किप दिस स्टेप। प्रॉब्लम खत्म, वैल्यू डालो, जहां पे प्रॉब्लम खत्म हुआ वैल्यू डाल दिया हम, तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहा है 1 बाय 2 को, जब x टेंड्स टू 1 होता है, लेफ्ट से हो या राइट से हो दोनों से, और वही हमारा लिमिट का वैल्यू होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes. चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हल्का सा डिफिकल्ट है ये, देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन दिया है क्या है नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। ओके, तो ये यहाँ पे हम पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। क्या हो रहा है देखते हैं, x टू द पावर 2 पुट करने से x टू द पावर 6 मतलब 64, 64 माइनस 16 होता है 48 और ये 48 हो रहा है, मतलब ऊपर 0, नीचे हो गया 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 0, Are you getting this one? Zero by zero. तो अब हाँ ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेरे को ये पता चल चुका है कि इसका एक फैक्टर है, कितना फैक्टर है इसका, x माइनस 2, क्योंकि x 2 पुट करने से 0 हुआ तो x माइनस 2 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ दिस वन, बट द अदर फैक्टर हमको दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर देंगे, लॉन्ग डिविजन कर लेंगे, लॉन्ग डिविजन करके हम दूसरा फैक्टर निकालेंगे, दैट इज व्हाई थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा और कुछ है, x टू द पावर 6 माइनस 24x माइनस 16 दिया है, इसमें मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं, कितना x माइनस 2,
तो x माइनस टू करूंगा तो आएगा क्या, पहले हम क्या डालेंगे बताओ, पहले हम x टू द पावर 5 डालेंगे, सो x टू द पावर 5 डालते हैं तो इट बिकम्स x टू द पावर 6 माइनस 2x टू द पावर 5, तो फिर हम अगर माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 2x टू द पावर 5 माइनस 24x माइनस 16, तो इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे अभी, x माइनस 2 है तो प्लस 2x टू द पावर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2x टू द पावर 4 माइनस 224 हो गया, 4x टू द पावर 2x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4, ओके, फिर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सो दैट मेक्स इट 4x टू द पावर 4 माइनस 24x माइनस 16, ऑलराइट, तो इसमें हम कितना डिवाइड कर देंगे अभी, 4x 4 है मतलब प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ओके, तो ये आ रहा हमारा कितना, 4x क्यूब करने से 4x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब, तो ये हमारा माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, तो ये आ गया हमारा 8x क्यूब माइनस 24x माइनस 16, सो अब हम डालेंगे कितना, प्लस 8x स्क्वायर, इट मेक्स इट 8x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, तो ये फिर से माइनस, ये प्लस हो गया, तो इट इज गिविंग यू व्हाट, 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 16, सो अब हमको कितना डालना पड़ेगा, प्लस 16x, तो हो गया हमारा कितना बताओ, 16x स्क्वायर माइनस व्हाट 32x, तो अब अगर हम माइनस कर देंगे साइन चेंज करके तो ये आ गया हमारा 8x माइनस 16, हो गया 8x माइनस 16 हो गया, हम कितना डालेंगे, प्लस 8, तो हो जा रहा 8x माइनस 16 जो कि हमको जीरो दिया, मतलब इसका दूसरा फैक्टर क्या है, वो बड़ा वाला पार्ट, अब नीचे वाला का फैक्टर निकालेंगे, नीचे वाला फैक्टर निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं इसको, इसको x क्यूब प्लस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो पहले तो हम डाल देते हैं x स्क्वायर, तो बन गया कितना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो हम डालेंगे कितना भी बताओ, प्लस 2x, तो इट गिव्स यू व्हाट, 4x स्क्वायर, ये 12 है सॉरी, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, 6x माइनस 12 प्लस 6, अरे बताओ सबको समझ में आ गया ना लॉन्ग डिवीजन, हाँ, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया, ऑलराइट, फिर यहाँ पे हम देख रहे कि आ रहा ऊपर x माइनस 2 और वो बड़ा सा एक्सप्रेशन x टू द पावर 5 ओके प्लस 2x टू द पावर 4 ऑलराइट, उसके बाद प्लस 4x क्यूब, उसके बाद हो गया हमारा प्लस 8x स्क्वायर ऑलराइट प्लस 16x प्लस 8 ओके होल डिवाइडेड बाय ऑलराइट, नीचे आ जाएगा हमारा क्या x माइनस 2 इनटू ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, एक्चुअली क्या इसको लॉन्ग डिवीजन में ना करके भी हम लोग कर सकते हैं, बट वहां पे हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ये चीज को ना, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत सारी चीज करना पड़ेगा, तो वो चीज हमको समझ मतलब सोच के करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ लेकिन इसको बता दूंगा, जस्ट वेट करो, लेकिन वो पल्ले पड़ेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, ओके 2 होने से अभी कितना हो गया 32 हो गया प्लस ये फिर से 32 सारे 32 हो रहा है 32 प्लस 32 प्लस 8 ऊपर इतना आया, नीचे में कितना आ रहा देखो
ये हो गया 4 + 4 + 6, 4 + 4 + 6 मतलब इट इज 168 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बताओ, 4 + 4 = 8, 8 + 6 = 14, तो ये कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? आई थिंक इट इज कमिंग 12, तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, हो गया। अब मैं थोड़ा बताने का कोशिश करता हूं कि अगर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करूंगा तो व्हाट कैन वी डू, 6 - 24x - 16, तो 6 - 24x - 16, तो हमको पता है कि x माइनस टू एक फैक्टर है, तो हम क्या करने वाले हैं जरा देखो, x^6 - 2x^5 लिखने वाले हैं। तो इसमें मेरे को फायदा क्या मिल जाएगा कि x^5 कॉमन लेने से x - 2 आ जाएगा, लेकिन x^5 तो नहीं था, तो +2x^5 कर देंगे, -2x^4 कर देंगे, 4x^4 करेंगे, क्योंकि देखो 2x^5 तो आ गया, ये पार्ट तो हमारा x-2 लेके आ गया, ये x^5 नहीं था इसीलिए हम ऐड किए, क्योंकि हम लोग ऐड किए तो सॉरी माइनस था ये ऐड किए तो ये कंपेंसेट हो गया। अब इसका बारे में सोचते हैं ये क्यों लाए, क्योंकि मेरे को x-2 फिर से चाहिए, तो 2x^4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में x-2 आ जाएगा, ओके। तो उसमें से हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया हमारा प्लस दिस वन, फिर ये 4x^4 भी नहीं था तो 4x^4 भी लिख लिया, ऐड कर लिया, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, 8x³ लिखना पड़ेगा। ये 8x³ क्यों लिखे पता चला, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है 4x³ कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में x-2 आएगा, 8x³ भी हमारा नहीं है तो +8x³ लिख लिया, तो -16x² लिख लूंगा, बस पावर एक तो घटाना है खत्म, उसके बाद -16x² नहीं था तो +16x² लिखूंगा, -32x लिखूंगा, ओके। तो ये हो गया हमारा -32x, लेकिन x तो हमारा यहाँ पे है -8x है, तो हम क्या कर सकते हैं, -24x है तो +8x कर देने से आ जाएगा -24x, -16, all of you got it ना, so that is how you can do some manipulation करके हम ये कर सकते हैं। अब हम उसमें लॉन्ग डिवीजन में नहीं जाके ऐसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x^5 ब्रैकेट में x-2 +2x^4 ब्रैकेट में x-2 +4x³ ब्रैकेट में x-2 प्लस कितना, ये हो गया 8x² ब्रैकेट में x-2 +16x ब्रैकेट में x-2 +8 ब्रैकेट में x-2। वेल दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, मैनिपुलेशन मतलब एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा, तो क्या माइनस किया वही प्लस कर लोगे, ये वाला पार्ट से x-2 कॉमन चलेगा, फिर यहाँ पे x-2 किससे कॉमन जाएगा, जैसे 2x^5 आया, मन सोच लाना, नहीं तो 2x^4 कॉमन गया ब्रैकेट में x-2 आएगा, तो देख लेना क्या होना है। सो इससे हम लॉन्ग डिविजन से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा गलती हो गया तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए अगर ये पूरा 100% श्योर नहीं हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा पक्का तरीका से, तो इन दैट केस अवॉइड दिस, लॉन्ग डिविजन भी करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं आने वाला ना, ओनली वन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू गेट, ऑलराइट। चलो ये बन गया वो क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन का आंसर, तो दिस इज वन ऑफ द वे जो कि लॉन्ग डिवीजन करते हो, नहीं तो शॉर्टकट में भी बता दिया कैसे कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x→√3 दिया है, x²-3 ऊपर नीचे x²+3√3x - 12, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x→√3 x²-3 ऊपर नीचे x²+3√3x
माइनस 2x। ओके, तो सबसे पहला काम तो हमारा होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके पता करेंगे कि ये फंक्शन जो है इसका लिमिट कौन सा फॉर्म में आ रहा है। तो हम अगर रूट थ्री पुट करेंगे तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 3 0, नीचे में 9, ये हो गया रूट थ्री डालेंगे तो ये 9, रूट थ्री का स्क्वायर सॉरी ये 3, ये 3 और ये 9 माइनस 12, तो इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। तो वंस वी गॉट 0 बाय 0 फॉर्म, 100% श्योर तो है कि x माइनस रूट थ्री एक फैक्टर होगा। आर यू गेटिंग इट? x माइनस रूट थ्री एक फैक्टर होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, यहां से हम तोड़ के देख सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैं नीचे वाला के लिए बता रहा हूं, ये मिडिल टर्म फैक्टर में इसको तोड़ना पड़ता है, x माइनस x टेंड टू रूट थ्री। तो क्योंकि x माइनस रूट थ्री एक फैक्टर है तो x स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स तो रहेगा, ये सर नो बता दो तो मेरे को, x माइनस रूट थ्री एक फैक्टर है, जैसे इस पिछला क्वेश्चन में बता रहा था ऐसे, x स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स तो 100% रहना ही है, सो दैट हम उसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस रूट थ्री आएगा। तो दूसरा फैक्टर यहां देख के पता चल जाएगा, यहां पे 3 रूट थ्री लिखा है तो रूट थ्री हम आज ला चुके हैं तो प्लस 4 रूट थ्री आना चाहिए, माइनस 2। आर यू गेटिंग इट? ये वाला पार्ट कैसे ब्रेक हुआ पता चला, क्योंकि एक फैक्टर हमको पता है तो ये तो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली बीच में हमको तोड़ना पड़ता है क्या क्या लेंगे, लेकिन हमको पता है अगर एक फैक्टर ऐसा है तो स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स तो लेना पड़ेगा, एक तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। और ऊपर में हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दैट विल मेक इट व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट थ्री, ओके, ऊपर में आ गया हमारा एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री, और नीचे में हमारा आ जाएगा कॉमन वगैरह लेके देखते हैं क्या आ रहा है, ओके, नीचे में हम एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स माइनस रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स माइनस रूट, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू रूट थ्री, ऊपर आ गया हमारा क्या x प्लस रूट थ्री इनटू x माइनस रूट थ्री, ये आ गया हमारा ऊपर, नीचे नीचे हमको कितना मिल रहा है x माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस थ्री रूट थ्री, एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कौन सा ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बच गया उसमें लिमिट वैल्यू पुट कर दे, तो डायरेक्ट पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, अभी डायरेक्ट पुट करने से हमारा कितना आ रहा है बताओ, रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, ऊपर नीचे हमारा क्या आ गया एक्स फोर रूट थ्री आ गया, तो आंसर हो गया हमारा 1/2। आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 4 रूट 3, ये हमारा यहाँ पे 4 रूट 3, यहाँ पे 5 रूट 3 हो जाएगा, तो 2 बाय 5 इज योर आंसर, ओके, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जैसे अभी क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन ऐसा है, खाली न्यूमरेटर में हमारा क्या दिया है, पावर 4 दिया है, न्यूमरेटर हमको पावर 4 दिया है, मतलब उसको हमको दो बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार हमारा x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 2, फिर x स्क्वायर माइनस 2 को एक और बार करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, इसको लिख देते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, लिख के दिखाना जरूरी है नहीं, बस मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स
प्लस 4 रूट 2 एक्स माइनस 8। तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 ऊपर x स्क्वायर प्लस 2 इनटू x स्क्वायर माइनस 2। हमारा ना पूरा एम रहना चाहिए, किस चीज का फुल पूरा एम रहना चाहिए कि ये x माइनस रूट 2 नीचे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमको ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं उसका मतलब ये समझना चाहिए कि भाई x माइनस रूट 2 को कैसे कैंसिल करें, क्योंकि वही हमारा प्रॉब्लम वाला कारण, मतलब प्रॉब्लम वही दिलाता है। तो अगर उसको मैं निपटा दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा फोकस हमेशा ये रहना चाहिए कि भाई x माइनस रूट 2 कैसे कैंसिल करें। और सबको पता है कि x माइनस रूट 2 को कैंसिल करने के लिए x माइनस रूट 2 एक और चाहिए। तो हमारा अभी एम होना चाहिए कि हाउ टू गेट x माइनस रूट 2 इन न्यूमरेटर, यही हमारा एम होना चाहिए। तो अब नीचे में हम ले लेते हैं x कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस रूट 2 प्लस, हम यहां से कॉमन सही से लेते हैं अभी, है ना, 4 रूट 2 ही कॉमन आ रहा है, 4 रूट 2 कॉमन है, ब्रैकेट में x माइनस रूट 2 आ रहा है। ओके, तो आगे लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, ऊपर आ गया हमारा क्या x स्क्वायर अलाइट प्लस 2। ये कोई प्रॉब्लम का कारण है नहीं, वहां पे से हम लिखेंगे x प्लस रूट 2 इंटू x माइनस रूट 2। तो ये हमको मिल गया तो हमको खुश हो जाना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम का कारण हमको मिल गया था और उसको हमको सॉल्व करने का तरीका भी हमको मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा नीचे x माइनस रूट 2, ऊपर हमारा है क्या x, सॉरी प्लस, साथ में x प्लस 4 रूट 2 है, x प्लस 4 रूट 2। तो प्रॉब्लम का कारण खत्म, अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं ये दोनों, बाकी जो बच गया उसमें वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 4, और ये रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, 4 इंटू 2 रूट 2 न्यूमरेटर में आ गया, डेनोमेटर में आ गया हमारा क्या 4 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 5 रूट 2। सही है क्या है ये, कैलकुलेशन में हमेशा गलती करता हूं, कहीं पे कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर दिया अभी, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या होता है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 1 बाय x स्क्वायर ओके प्लस x माइनस 2 ऑलराइट माइनस x बाय ओके ये कितना हो गया छोटी सीट x क्यूब माइनस 1। चलो ये क्वेश्चन में जब मैं पुट करता हूं ना, ये क्वेश्चन में देखो जब मैं इसको पुट करता हूं x का वैल्यू, अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक चीज कि लिमिट का क्या बोलते हैं उसको, क्या बेसिक थ्योरम्स है, वो बेसिक थ्योरम सब पहले समझ जाओ क्या लिखा है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f of x is l1 है और लिमिट x टेंड्स टू a f of g x is l2 है, तो फिर हम अगर प्लस करेंगे तो प्लस हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, दैट्स ऑल। अगर प्लस में मतलब लिमिट का वैल्यू क्या होता है देखो, प्लस में अगर है तो लिमिट का वैल्यू दोनों में चले जाता है, पहला में भी चले जाता है और दूसरा में भी चले जाता है। ओके, ये पहला थ्योरम बोल रहा है कि प्लस है तो लिमिट एफ एक्स में भी चले जाएगा जी एक्स में भी चले जाएगा, फिर माइनस है तो भी चले जाएगा एफ एक्स और जी एक्स में, इन टू है तो भी जा सकता है एफ एक्स के साथ और जी एक्स के साथ, डिवाइड है अगर डिवाइड है, सुनो मेरे बात, अगर डिवाइड है तो भी एफ एक्स के साथ और जी एक्स के साथ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन साथ में डाल दिया है कि जी ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये लिमिट को ऊपर भी ले जाओगे नीचे भी ले जाओगे तब तक जब तक नीचे वाला जीरो ना हो, अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा फिर नहीं एप्लीकेबल है, फिर ये फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो केस में हमको पूरा होल चीज को, ये सारे चीज को एक लेके हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो अलग अलग लेके कर सकते हम। अच्छा, फिर f of gx,
f of gx है तो gx के अंदर चले जाएगा provided fx is continuous at x is equal to L1, okay? और अगर पावर में है तो पावर में चले जाएगा, नीचे में भी जाएगा ऊपर में चले जाएगा, provided ये नीचे वाला वैल्यू जो है लिमिट का वैल्यू वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट का आगे वाला क्लास कि नेगेटिव का पावर में वो डिफाइन नहीं होता है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया। पूरा सिंपल सा बात है कि लिमिट कहीं पे भी जा सकता है, प्लस है तो घुसा दो जितना सारा जगह में है, माइनस है जहां जहां है वहां पे घुसा दो, इनटू है, डिवाइड है, पावर है और कंपोजिट फंक्शन है, कहीं पे भी वो जा सकता है, लिमिट कहीं पे भी अंदर जा सकता है जब तक वो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन हो रहा है। खाली ये डिवाइड में इतना ध्यान में रखना है कि ऊपर ऊपर और नीचे में ऊपर वाला का भी लिमिट वैल्यू निकल जा रहा है, नीचे का भी निकल जा रहा है, लेकिन जीरो हो जा रहा है तो उस समय हम यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज योर बेसिक थ्योरम्स ऑफ लिमिट, हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस इनटू डिवाइड में ये अलग अलग हो सकता है, पावर में भी अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बारे में बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, तो लिमिट इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। जब लिमिट इसके साथ आता है तो ये नीचे वाला जीरो हो रहा है और ये भी जीरो हो रहा है, मतलब ये तो 1/0 हो गया, ये भी 1/0 हो गया, मतलब 1/0 का वैल्यू बोलने से कितना इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया माइनस ये इनफाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, हमको पता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इनका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। So, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको 0/0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इनफिनिट बाय इनफिनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम 0/0 का ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेके दो फंक्शन का बजाय उसको एक फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन एलसीएम केयरफुली हमको लेना है, हम केयरफुल होकर थोड़ा एलसीएम लेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एलसीएम लेने के लिए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि इसका फैक्टर एक तो 1 है, x माइनस 1 है क्योंकि ये 0 हो रहा है, और इसका फैक्टर भी x माइनस 1 है, एक फैक्टर x माइनस 1 है क्योंकि ये 0 हो रहा है, इसका तो फैक्टर दिखाई दे रहा है, x माइनस 1 into x square plus x plus 1, आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे आपको जब हमको एलसीएम लेना है थोड़ा सोच के लेना है, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा फटाक से तो हम ले लेंगे दिस इनटू दिस एलसीएम लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ क्या लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको फैक्टराइज करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। आई थिंक इसका फैक्टराइजेशन जो है क्योंकि x माइनस 1 इनटू आ रहा है तो x माइनस 1 इनटू x प्लस 2 आ रहा है, और इसका फैक्टर्स तो पता ही। चलो करते हैं अभी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, किस चीज का ऊपर ध्यान दे रहा है, मैं बोल दिया 1 बाय दिस इज कमिंग x माइनस 1 क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर मेरे को पता है, दूसरा वाला x प्लस 2 ही हो रहा है, माइनस x बाय नीचे हो गया हमारा x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हमको पता चल चुका है कि क्या एलसीएम होगा, अब हम सही ढंग से लिख चुके हैं, इसका अलावा ब्रेक नहीं हो पा रहा, अब हम एलसीएम लेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके, उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया हमारा लंबा सा x माइनस 1 एक तो रहेगा ही, यहाँ पे x प्लस 2 है और वहां पे x स्क्वायर प्लस x और क्या है प्लस 1। अब ये देख के तुमको क्या लगता है बताओ, तो ये देख के क्या लगता है कौन सा चीज प्रॉब्लम का कारण है, तो मतलब हमारा दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई x माइनस 1 कहां से पकड़ के लाऊं न्यूमरेटर में, x माइनस 1 लाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो गया, x माइनस 1 x प्लस 2 तो यहां पे है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहाँ पे आ गया माइनस, ये x माइनस 1 तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 जाएगा, x इंटू x प्लस 2
या फिर हम डायरेक्ट लिख लिए x2 - 2x, खत्म। तो हमारा मिले, तो हमको मिलेगा क्या, अभी लिमिट x → 1, ये हो गया लिमिट x → 1, ठीक है। ऊपर में क्या मिलता है, अच्छा ये x² तो कैंसिल हो गया, x² को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिला क्या 1 - x मिला, तो हमको मिला क्या अभी 1 - x, तो मैं नीचे से क्या कैंसिल करना चाहता था, ये x - 1, चलो 1 - x आ गया, तो नीचे से माइनस ही कॉमन ले लो, या फिर नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा, यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बेस्ट है कि यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ गया 1 - x, और बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं, क्या बचा, x + 2 * x² + x + 1। ये क्वेश्चन में क्या फंडा लगाया, मैं समझ में आया सबको, ये क्वेश्चन में क्या हम यूज किए, यहाँ पे 1 पुट करने से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं, that is why we are proceeding this way। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो और क्या वैल्यू देगा मेरे को, ये 1 - x - 1 कैंसिल हो गया, अब बाकी जो बच गया तो हमको तो वैल्यू दे रहा है, लेट अस सी व्हाट वैल्यू आर गेटिंग, ये ऊपर में तो 1 हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 + 1 + 2 = 3, और ये भी 3 हो रहा है, -1/9 हो रहा है, क्या रे, यस, सो वी आर गेटिंग -1/9, ये हो गया आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, यस सर। चलो फिर हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में जाते हैं, क्या है ये वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये क्वेश्चन भी वही है, फैक्टराइज करना पड़ेगा, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, वही एडजस्टमेंट करके करता हूँ, ये क्वेश्चन को एडजस्टमेंट करके करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको प्लस माइनस करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे काफी सारे टर्म है, तो यहाँ पे पहले x² वाला नहीं, उसके लिए हमको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखो लिमिट x → 3 x³ - 7x² + 15x - 9 divided by x^4 - 5x³ + 27x - 27। तो पहला काम हमारा होता है कि ये चेक करना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके कि ये 0/0 हो रहा है कि नहीं, तो x³ का वैल्यू हो गया 27, ये 15 × 3 = 45, 27 और 45 कितना हो रहा है, 62 हो रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 - 7 = 63 और ये 9 63 में 9 ऐड करने से 72 आ रहा है, ये 72 आ रहा है क्या, हाँ 72 आ रहा है, तो 0 हो गया नीचे, 3^4 मतलब 81, और ये हो गया हमारा 27 × 3 81 162, ये 27 है, 3 का स्क्वायर हो गया 3 का क्यूब 27 × 5 = 135 162, हाँ 0/0 आ रहा है, 0/0 आ रहा है, अल्लाह। चलो तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन में भी जा सकते थे, नहीं तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बताया लास्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ने बताया कि कैसे फैक्टराइज करते हैं, मतलब एक्सपांड करके, ओके। तो इसमें देखते हैं क्या, x³ - हमको पता है कि x - 3 एक फैक्टर है, तो x³ - क्या लिखूंगा मैं, बोलो, आर यू गेटिंग इट, आई एम राइटिंग 3x² ठीक है, लेकिन हमारे पास 7x² है, तो एडजस्ट करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा -4x², हो गया ये पार्ट, अच्छा -4x² मतलब हम यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x - 3 आना चाहिए, x - 3 आएगा तो -4x² + 12x होना चाहिए, +12x,
ओके okay, अब हमारे पास 15x है, यहाँ पे 12x है, तो हमको आर 3x का जरूरत पड़ेगा, लॉस 3x माइनस 9। तो ये करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से बच सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया तो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट कर लो, मतलब लॉन्ग डिवीजन कर लो। तो x टू द पावर 4 है, तो हमको पता है कि हमारा 3 एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, तो माइनस 3x³ लिख लेंगे। ओके तो माइनस 3x³ यहाँ पे माइनस 2x³ है, 5x³ है, तो माइनस 2x³ तो होना चाहिए। तो साथ में ये हो गया हमारा कितना, x माइनस 3 है, तो प्लस 6x² होना चाहिए, ताकि हमारा 2x² कॉमन लेते ही x माइनस 3 आ जाए। ये 6x² नहीं था तो ये हमको ऐड करना पड़ा था, तो इसको मैं माइनस भी कर दूंगा, माइनस 6x², इसका डबल, इसका 3 × 18 होता है, प्लस 18x, है ना। तो ये हो गया प्लस 18x। ओके अब बच गया हमारा क्या, यहाँ पे 27x है, हम 18x लिखे हैं, तो प्लस और 9x लिखते हैं, माइनस 27। सो दैट इज हाउ हम क्या कर सकते हैं, वो लॉन्ग डिविजन से बच सकते हैं। तो इसको हम अभी लिख लेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3। ये पहला दो में से कॉमन लेना है, x² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x माइनस 3। ये दोनों में से कॉमन लेना है, माइनस 4x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x माइनस 3, और प्लस वहां से कॉमन लेना है 3, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा। ये दोनों में से कॉमन लेना है x³, तो ब्रैकेट में आया x माइनस 3। ये दोनों में से कॉमन आ गया हमारा माइनस 2x², ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3। ये दोनों में से कॉमन माइनस 6x है, तो ब्रैकेट में x माइनस 3, प्लस 9 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में x माइनस 3। अब ये जो चीज हमको दे दिया कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 3। ओके ऊपर लिखा देखते हैं, x माइनस 3 आ गया एक तो, और x² माइनस 4x प्लस 3 एक बार और करना पड़ेगा, x माइनस 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय नीचे हमारा x माइनस 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना, 2x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² ओके माइनस 6x माइनस 9 प्लस 9, ये हमारा आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, नीचे में अभी फिर से जीरो हो रहा है साइड, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना हो रहा है, 36, नहीं जीरो नहीं हो रहा है नीचे, ऊपर वाला लेकिन जीरो हो रहा है क्या, रिपोर्ट करने से 9 प्लस 3 12, इट इज कमिंग जीरो, डेनोमिनेटर इज नॉट जीरो ना, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 नहीं, नीचे में जीरो हो रहा है क्या, नीचे में तो जीरो नहीं हो रहा, ऊपर वाला जीरो हो रहा है। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर है 2x, कहाँ 2x² है, ओहो 2x² है, अच्छा ठीक है, फिर मतलब हमको और एक बार करना पड़ेगा, तो और एक बार करते हैं फिर क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो गया। तो ऊपर वाला तो दिखाई दे रहा है कि x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 आ रहा है, नीचे वाला हमारा कितना है, इसको जीरो अगर हो जा रहा है तो फिर हमारा क्या होगा, x³ माइनस 3x², x³ माइनस 3x², वहां पे है कितना, माइनस 2x², मतलब प्लस x² करना पड़ेगा, माइनस 3x, ओके है कितना, माइनस 6x, माइनस 3x प्लस 9, ओके समझ में आएगा सबको, मतलब ये क्वेश्चन है, एक बार करने से हमारा काम नहीं बना, दोबारा करना पड़ा। तो दिस मेक्स इट लिमिट x टेंड्स टू 3, और ब्रैकेट में कितना आ गया अभी, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ऊपर नीचे हम देख रहे हैं कितना है, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन आ गया,
तो x माइनस थ्री में लिख लिया, ब्रैकेट में कितना आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये हो गया कितना x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस x माइनस थ्री, x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री, क्या मैं सही लिखा? Yes. एक लाइन में स्किप कर गया यहाँ पे, तो ये x माइनस थ्री कैंसिल हो गया, अब वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालने से हो गया 9 प्लस 3 12 ओ 9, बस यहाँ पे नीचे 9 ऊपर 2, 2 बाय 9 आया ना आंसर? Yes, sir, yes. So we have seen that, हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमको दो बार करना पड़ा फैक्टराइज, और वो पता चल जाएगा आराम से, जब तक वैल्यू ना निकले हम करते जाएंगे, है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा ये हमारा फिर नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा नया टाइप का आ गया। जैसे मैं शुरू से बता रहा था ना कि हमको क्या करना है, लिमिट जो निकालते हैं पहले तो देख लो, फिर किस चीज कौन सा चीज प्रॉब्लम कर रहा है उसके बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तो पहले तो हम ये देख रहे कि नीचे में अगर हम स्क्वायर रूट 1 पुट करेंगे, ऊपर 1 पुट करेंगे तो हमको 0/0 मिल रहा है, बट प्रॉब्लम है क्या, नीचे में ऐसे कोई फैक्टर हमको नजर नहीं आ रहा है, नीचे में ऐसा नीचे में समथिंग माइनस समथिंग लिखा है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का है लिखा है, तो ऐसे हमको पता नहीं चला कि कौन सा फैक्टर इसको जीरो करना है ना। लेकिन ये जो 0/0 तो हो रहा है, मतलब सॉल्व तो करना है, कभी कभी ये रूट वाला पार्ट ऊपर रहता है, कभी कभी नीचे रहता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो होता है रेशनलाइजेशन। कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको मिलेगा एक जगह में रूट रहेगा, रूट भी रह सकता है, रूट बोलने से रूट ओवर नहीं, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है, ओके। लेकिन अगर रूट ओवर है तो उसको रेशनलाइज करने का तरीका आराम से होता है, ए माइनस बी के साथ ए प्लस बी कर लो तो वो रेशनलाइज हो जाता है। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि रूट का पावर को हटाओगे, पावर हाफ है अभी तो इसको स्क्वायर करने से हट जाएगा, कभी कभी रूट क्यूब होगा, रूट क्यूब होने से उसको क्यूब करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो पहले इसका क्या ले लेते हैं बोलो, रेशनलाइज कर देते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या बन सकता है। रेशनलाइज करने के बाद हमको फैक्टर पता चलेगा, इतना तो लेकर हम श्योर हो चुके हैं कि कुछ x माइनस वन का काम होगा, ये सुन लो, मतलब ये x tends to 1 में अगर 0 हो रहा है तो x minus 1 का तो कोई ना कोई रोल होगा, तो somewhere we have to bring x minus 1, उसको हटा दो कहीं से, 0 हो रहा है मतलब x minus 1 कहीं ना कहीं तो घुस के है, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा और उसको कैंसिल करना पड़ेगा। हम algebra function का बारे में बात कर रहे हैं, अलग function के लिए अलग होगा, ओके। तो ये question करते हैं, अभी limit x tends to 1 दिया है, question number 8 है ना ये, limit x tends to 1, ऊपर में हमारा x क्यूब माइनस वन है, नीचे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वन दिया है, x स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू। हमको पता चल चुका कुछ x माइनस वन का रोल होगा, वो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, देखते हैं वो कहां से आता है। इज इक्वल टू लिमिट x tends to 1, x cube minus 1, into इसको rationalize करते हैं, x square plus 3, plus 2, by root under, x square plus 3, minus 2, into root under, x square plus 3, plus 2, हो गया। अब इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्यूब माइनस 1, इनटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय, नीचे हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। सो हम आगे लिख सकते हैं क्या, लिमिट इसको मैं कुछ समझा नहीं रहा हूं क्योंकि बोलना कुछ है नहीं, खाली कॉपी करना है, इनटू x स्क्वायर प्लस 3 का रूट ओवर प्लस 2 डिवाइड बाय, नीचे हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 1,
दैट मेक्स इट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, नीचे आ गया हमारा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ऊपर आ गया x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। ओके, इतना हो गया। अब इसमें मैं कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं ये वाला जगह में, ठीक है? क्या बोलना चाहता हूं देखो, मार्क करो कि यहां पे मेरे को पता तो चल चुका था, ये पता चल चुका था कि मेरे को x माइनस x क्यूब माइनस 1 को तो ब्रेक करना है, मेरे को x क्यूब माइनस 1 को ब्रेक करना है, लेकिन मैं ब्रेक नहीं किया। कहां तक ब्रेक नहीं किया? यहां तक ब्रेक नहीं किया, यहां पे हम ब्रेक किए, क्योंकि ऑल्दो मेरे को पता है कि आई वांट टू इलिमिनेट दैट x माइनस 1 पार्ट व्हिच इज कमिंग इन डिनोमिनेटर, लेकिन बेमतलब मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, लंबा क्यों करते जाऊंगा? जिस जगह में मैं देखूंगा कि नीचे में x माइनस 1 आ चुका है, उस जगह में उसको एक्सपांड करूंगा, नहीं तो ये लंबा लंबा चीज लिख के क्या फायदा हमको? इसको तो मेरे को कॉपी करते जाना है, जहां पे जरूरत पड़ेगा एट द एंड वहां पे ही लिखेंगे। सो दैट इज द रीजन कि हम x क्यूब माइनस 1 को ब्रेक नहीं करते हैं, जो जगह में देखेंगे कि भाई नीचे में आ गया, ऊपर में भी हमको चाहिए, तो उस समय हम उसको ब्रेक करेंगे। तो ये बन गया हमारा इसका वैल्यू सिंपलीफाई करके यहां तक। अब इसको साथ इसको कैंसिल कर दो, बाकी जो बच गया उसमें वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालने से हमारा हो क्या रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, इनटू दैट इज हियर 2 प्लस 2 4 हो गया, डिवाइड बाय 2, आंसर इज 6। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस क्वेश्चन?